अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, दिस इज़ मी नुमान साहिद फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आइडिया DHA लाहौर। हमेशा की तरह व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आऊँ आपके लिए जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचे, आपको काफ़ी प्रॉफिट गेन हो जाए शॉर्ट टाइम में। तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट्स बॉक्स में मेरा नंबर भी मौजूद है और मज़ीद आप उस पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं वेरी क्लियर कर सकता हूँ आपको कि उस सोसाइटी, उस जगह या कोई भी ऐसा प्लान जो कि आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो उसमें अच्छी गाइडलाइन आपको दे सकता हूँ। तो आए जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस, कि सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं कोई भी, चाहे वो डिफेंस में है, लोकल सोसाइटीज़ में है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है कि न्यू सोसाइटीज़ के अंदर हर जगह आप देख सकते हैं कि इकबाल गार्डन, फलाना गार्डन, फलानी स्कीम, फलानी हाउसिंग स्कीम शुरू हो गई हुई है। मैं नेम नहीं लूँगा, इससे बहुत ख़राब होता है काम। तो मैं इन बस समझाने के लिए आपको एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि लोग कई समझते हैं कि ये हो ना हो बाद में इनको NOC मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये बहुत दूर की बातें हैं, इससे सोसाइटी की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी डाउन होती है। तो वो सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है कि LDA एक बात अदारा है, लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी से बोलते हैं। इससे किसी भी चीज़ का मंजूर शुदा होना आपके लिए सबसे पहले अथेंटिक इस चीज़ को कहलाता है कि ये सोसाइटी कम से कम लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड तो है, ये फ्रॉड नहीं है, ये फेक नहीं है, कुछ एक हद तक चांसेस कम हो जाते हैं। और सेकंड वन, अब तो पाकिस्तान का कानून बन चुका है कि जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद ना लें, एक लैंड खरीद ना लें, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब आप किसी भी डीलर के पास जाएं, ठीक है, किसी भी एक ऐसी सोसाइटी के कंटेनर्स जो लगे होते हैं या लोकल सोसाइटी या डिफेंस में प्लॉट खरीदते हैं, तो जिस डीलर से आप ले रहे हैं पहले कंफर्म करें कि वो डीलर किसी भी सोसाइटी से रजिस्टर्ड है। इन द मीन वाइज अगर डिफेंस में है तो वो डिफेंस को तो ऑटोमेटिकली एक बात क्लियर हो जाती है कि वो डिफेंस से रजिस्टर्ड डीलर होते हैं। अब सेकेंड बात कर लेते हैं कि अगर लोकल सोसाइटीज में जाते हैं, वो कंटेनर्स में बैठे हुए, आप उनसे पूछें कि यार आप इस सोसाइटी के रजिस्टर्ड डीलर हो, क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर का ये फायदा होता है कम से कम उसकी इतनी सोसाइटी में वाकफियत होती है कि वो आपको रियल टाइम में जो होने वाले वाकयात होते हैं कि पोजेशन कब आएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, इसकी बलून पेमेंट्स क्या है, सब कुछ स्केड्यूल जो है ना वो आपको क्लियर बताएगा। और इन केस अल्लाह ना करे अगर आपके पास पैसे कम हो जाते हैं किसी वजह से, ठीक है, तो वो इसमें भी आपको सोसाइटी से टाइम लेके दे सकता है इन शेप ऑफ बलून पेमेंट्स में, बलून पेमेंट्स में आपको वो कंप्रोमाइज भी करवा के दे सकता है। तो ये प्लस पॉइंट आ जाता है। अब कर लेते हैं बात कि फाइल, जो फाइल मिलती है आपको उसको कैसे परखें, उसको कैसे देखें। तो सबसे पहले बात है कि जब आप कोई फाइल खरीदते हैं उसमें सोसाइटी का आपने कभी भी ये नहीं कहना कि यार मुझे वो फोटो कॉपी वाला पेज चाहिए या इस तरह से। आप उसे कहें यार जिसपे ओरिजिनल स्टैम्प लगी है उस सोसाइटी की, वो सब टाइम तक सोसाइटी में आज ऐसी स्टैंप हो रही है, वो हिडन फाइल्स, हिडन स्टैंप आप उसे बोल सकते हैं कि वो एक पंच करके प्रॉपर एक डिज़ाइन सा बन जाता है स्टैंप का, वो देते हैं। कहीं में नहीं भी होता वो पेज लिख देते हैं इस तरह से, तो भी इशू नहीं है। लेकिन जो मेन पेज हो वो कम से कम इतना वाजिया क्लियर हो कि आपको भी आइडिया हो जाए कि यार ये रियल पेज है, ठीक है। और जो प्रॉपर है आप उन्हें कहें कि यार हम आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया एज अ टोकन दे सकते हैं, बाकी जो पेमेंट होगी सारी वो हम आपको इन द टाइम ऑफ ट्रांसफर देंगे। वो चाहे आप सोसाइटी के ऑफिस चले जाएं, वहां जाके आराम से बैठें, आप इर्द गिर्द के माहौल को चेक करें कि यार वाकई ही जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो सोसाइटी के लोग भी ले रहे हैं और लोग भी। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो भी उधर का इर्द गिर्द माहौल है उसको बहुत एनालिसिस करें अपने मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक, यार ये जो काम हो रहा है ये बेहतरीन हो रहा है, कोई इसमें फेकनेस तो नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जब आपका दिल मुतमिन हो जाता है फिर चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, वो आपके उस ट्रस्ट को कभी ख़त्म नहीं कर सकती। और सबसे एंड में जो बात करूँगा कि प्रॉपर्टी लेने से पहले कभी ना सोचें, प्रॉपर्टी लेके सोचें। तो आपसे ये मशवरा है कि स्क्रीन पर मेरा नंबर है, अगर मुझसे फाइल, मुझसे प्लॉट लेना चाहते हैं किसी सोसाइटी में, अपना बजट बताएं,
ठीक है, और अपनी पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट आप मंथली दे सकते हैं वो मुझे बताएं, फिर उसके अवर्स में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर ईमान होगा।